जिला को स्थित सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस लोकार्पण के अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद थे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन पौधों को इस केंद्र में तैयार किया जाएगा वह केंद्र सगंध के उत्पादन में एक मिसाल बनकर उभरेगा। देहरादून से जैसे हैं विश्व की रिपोर्ट। I would request Director sir to please a day of big name, the opening of the excellence center. सगंध केंद्र के आज इस लोकार्पण के अवसर पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में यह केंद्र हमारे यहां की आर्थिकी का एक बहुत बड़ा जरिया हमारे किसानों का बनेगा। और ये जहां एक प्लांटेड मटेरियल उपलब्ध कराने का काम करेगा, वहीं जो पौधे हमारे किसान भाइयों को मिलेंगे यहां से, उसको वापस लेकर उनको एक मार्केट देने का भी काम होगा। और इसकी हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एरोमेटिक क्रॉप्स का लोकार्पण का कार्यक्रम था, जिस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सगंध काश्तकारों के लिए दो मिशन की घोषणा की है यहाँ लागू करने की। एक तो तिमरू मिशन, जो यहाँ का लोकल पौधा है और काफ़ी उपयोगी है परफ्यूमरी और दंत मंजन इंडस्ट्री में। दूसरा एक दालचीनी, जैसा आप सब लोग खाते हैं, उसका भी प्रोडक्शन का एक मिशन यहाँ पे घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री ने।